कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आया हूँ अलवर राजस्थान में। अलवर से 22 किलोमीटर दूर एक जगह है जो है गरबाजी वाटरफॉल, यानी एक झरना है जो कि जंगलों के बीचों बीच में, उसको खोजने वाला हूँ। बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। बताते हैं कि वहाँ है, वहाँ का झरना जो है वो मनमोहक है। अगर एक बार आप देख लोगे तो इस वीडियो को शेयर करने बिना रह ही नहीं सकते। तो चलिए मैं वो आपको झरना दिखाता हूँ। तो ये हमारी पार्किंग है, पार्किंग हमने लगा दी है। इसका 10 रुपये चार्ज है और टिकट कुछ नहीं है इसका। और इसी का मैं आपको बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है। ओह माय गॉड, बहुत ही शानदार। ये देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है, बहुत ही शानदार व्यू है। चलिए अब हम अंदर लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ का एक्चुअली कोई भी चार्ज नहीं है, यानी टिकट कुछ नहीं है। बट पार्किंग हम बाइक की पार्किंग थी, 10 रुपये थी, 7 घंटे के हिसाब से होगा। तो बहुत ही शानदार व्यू होने वाला अंदर, बहुत ही मज़ा आने वाला जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए जहाँ से हम ऊपर जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, जब आप यहाँ आए थोड़ा बंदरों से बच कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ बीच में आ चुका हूँ और यहाँ का इतना शानदार नज़ारा है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए बहुत ही शानदार हवा आ रही है और आप यहाँ के माउंटेन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ वही है कि अगर आप कुछ खाने के लेकर आएँ तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि यहाँ पर मंकी भाई साहब बहुत मिलेंगे आपको। चलिए मैं आपको पहले वाटरफॉल दिखाता हूँ। आ जाओ औरंग भाई, ये देख सकते हैं आप, देखेंगे सामने पानी आ रहा है। अब हमें जो है यहाँ से जाना है। दोस्तों अब मैं पास से आपको जो है झरना दिखाता हूँ। बहुत ही यहाँ पर जो शानदार नज़ारा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मैंने तो सोचा भी नहीं हुआ कि अलवर में इतनी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो ये देखिए ये है झरना, तो बहुत ही शानदार, और लोग नीचे नहा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हो बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है, बहुत ही मस्त। अब ये बताइए मुझे नहाना चाहिए नहीं चाहिए, बट मैं एक जोड़ी कपड़े लेकर आया हूँ इसलिए नहाना मुश्किल हो पाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा नहाने की। बहुत ही शानदार व्यू है। दोस्तों मैं अब यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए माउंटेन का व्यू, देखिए कितना शानदार है। ओहो बहुत ही शानदार, ये यहाँ से झरना आ रहा है जहाँ हम अभी ऊपर जाएंगे। ओह माय गॉड, बहुत ही शानदार ये।
कितना खूबसूरत है, ये देखिए, ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत है ये पहाड़ देखिए। मज़ा आ गया, देखिए कितनी अच्छी जगह खोजी है मैंने। अगर आप राजस्थान अलवर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर से आपको जो है ये झरना दिखाऊंगा, कितना शानदार दिखाई देता है। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं ना वो काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, और एक्चुअली कहीं ना कहीं ये आपको पसंद भी आएगा। तो पहले मैं आपको ये सीढ़ी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, यहाँ आपको मंकी भाई बहुत मिलेंगे, बट अगर आप इन्हें छेड़ोगे नहीं तो ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे। वाह कितना शानदार नज़ारा है, ये देखिए आप हमारे पीछे का व्यू देख सकते हैं। अभी हम जो है ऊपर जाना है, अभी मैं अभी आधे ऊपर में आ चुका हूँ, और यहाँ से आप ये व्यू देखिए, ओ माय गॉड बहुत ही शानदार, ये देखिए क्या पहाड़ है, ये देखिए बहुत ही शानदार, ये देखिए। अब जी आप जीरा देख रहे हैं, अब इसी के ऊपर हम अब चल रहे हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ जहाँ से मैं आपको झरना दिखाऊंगा, बट यकीन मानिए इस जगह डर लग रहा है, क्योंकि जीना जो है बिल्कुल सीधा है और हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो आप यहाँ से ये झरना देख सकते हैं, ये देखिए वाह कितना शानदार झरना है, ये देखिए कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से मैं आपको माउंटेन का व्यू दिखाऊँ तो ये देखिए, अभी तो हमें और ऊपर जाना है, ये देखिए, ओह माय गॉड बहुत ही शानदार, ये देखिए आप देख सकते हैं ये है झरना, पानी जो एक्चुअली नीचे जा रहा है, और इसी को हम अभी और भी पार करने वाले हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई गड्ढा हो, गड्ढा भी हो सकता है, ये देखिए, और यहाँ से ये नीचे जा रहा है। दोस्तों आप देखिए मछली, कितनी सारी मछली हैं, और अब मैं आपको लास्ट उस टॉप पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ से एक्चुअली ये वाटरफॉल हो रहा है। थोड़ा ये जो है पहाड़ थोड़ा टूटा हुआ भी है, तो रिक्स भी है, बट यहाँ आप आ सकते हो, कोई टिकट नहीं है। अगर आप अलवर आएँ तो 25 किलोमीटर के बाद एक्चुअली ये जगह है, बहुत ही शानदार। और इसके पीछे जो पहाड़ दिख रहा है एक्चुअली वो लास्ट पहाड़ है, ये देखिए। तो दोस्तों लगभग मैं पहाड़ के टॉप पे आ चुका हूँ, और यहाँ से बिल्कुल झरना क्लियर दिखाई दे रहा है। ओह यहाँ से मैं आपको झरना दिखाई देता हूँ, तो दोस्तों अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पहाड़ देख लिया है, और यकीन मानिए बहुत ऊंचा पहाड़ है, ओ माय गॉड आप देखिए। बाकी तो आप यहाँ अगर खुद आएँ तो ये बेहतर तरीके से देख पाएंगे, और ये आप झरना देख सकते हैं जो झरना चल रहा है,
अब हम नीचे जाते हैं। दोस्तों नीचे उतरते हुए ध्यान रखना, इसकी सीढ़ी जो है ना बिल्कुल खड़ी है, बहुत ध्यान पूर्वक। और भाई ज़्यादा ऊपर सेल्फी वेल्फी मत लेना, क्योंकि यहाँ जो है डेंजरस पॉइंट है। मैं भी बिल्कुल आराम से उतर रहा हूँ, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी खड़ी इसकी सीढ़ी है। ये आप देख सकते हैं ये कितना खड़ा जी रहा है। और इसी के नीचे आप ये देख सकते हैं जहाँ लोग नहा रहे हैं, ये देखिए वाह, ये झरना देख सकते हैं। दोस्तों हम नहा नहीं पाए, नहाने की वजह यह थी कि हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, टॉवल भी नहीं थे, और हमारे यहाँ का कोई प्लान नहीं था। हम जा रहे थे भानगढ़ किले पे, तो रास्ते में ये पड़ता है, किसी ने हमें बताया, और बहुत ही सुंदर जगह है ये। ये मान के चलिए जंगलों के बीच में, बहुत कम लोगों को एक्चुअली इसका पता है, तो एक बार आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप अलवर आएँ तो यहाँ से अलवर से 22 किलोमीटर दूर ये जगह है जिसका नाम है गरबा जी वाटरफॉल, यानी झरना है, बहुत ही शानदार। आप यहाँ नहा भी सकते हैं, और यहाँ का एक्चुअली कोई भी चार्ज नहीं है, केवल पार्किंग के 10 रुपये हैं। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो आप इस ब्लॉग को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम 2-3 दिन जो है अलवर में रहने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा यहाँ के हम नज़ारे आपको दिखाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।